हाय गाइस, वेलकम टू भारत टेस्ट गुरु। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। इन ये वीडियो में मैं आपको एक वर्ड जो किसी भी स्पेसिफिक जगह को बोलते हैं, या ये जिस तरह से अस्तबल होते हैं कहीं पर रहने के लिए, या फिर कोई स्पेशल जगह हो, ठीक है, जैसे चिड़ियाघर, जू, तो इस तरह के जो वन वर्ड होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जगह या किस तरह का सामान या किस तरह का स्पेसिफिक प्लेस, तो उन चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्लाइड जो आप देख रहे हैं, मैं इसे ये कर देती हूँ। यह है एबाटॉयर, मतलब जहाँ पर आप जो मीट की प्रोसेसिंग होती है हर तरह की, वो यहाँ पर होती है। जैसे कि ये पिग्स के लिए, यानी पिग्स के लिए होते हैं, फिर आपके मटन वगैरह जो एक जगह पे ये होती है, इस तरह से के एनिमल्स का हार ये किया जाता है, उसमें प्रोसेस किया जाता है उनको। एपेरी मींस जहाँ पर मधुमक्खियों को साथ में रख के उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है, यहाँ पर पैनल्स बनाए जाते हैं और मधुमक्खियों का से यहाँ पर हनी निकाला जाता है इस प्रोसेस को, और उस जगह को एपेरी कहते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, और ये आजकल बहुत आपको बड़े होटलों में जाएंगे तो दिख जाएगी, या फिर कोई किन्हीं किन्हीं के घर पर भी होती है एक्वेरियम। तो यहाँ पे जितने भी वाटर के, वाटर में जितने भी ये होते हैं, फिश होते हैं, या फिर आप स्टार फिश या अलग तरह के जो चीज़ें होती हैं एनिमल्स वगैरह, वो इसमें रखते हैं। आर्चीज मतलब होता है अगर आप पुरानी लाइब्रेरी वगैरह जाएँ तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जहाँ बुक्स होती हैं, जो स्पेशली जो वो चीज़ें होती हैं जिसपे बहुत सारा रिकॉर्ड्स वगैरह रखी जाती हैं, तो उन्हें आर्चीव्स कहते हैं। एरेना, एरेना मतलब होता है अगर आप रेसलिंग वगैरह देखते हैं तो उसमें जो मैट होती है जिसपे रेसलिंग की जाती है, और उस जगह में जब वो पूरे मैट जिसने एरिया को कवर करता है उसे अरीना कहते हैं। आर्सेनल, आर्सेनल आप किसी भी तरह के आम बंदूक या फिर बम या फिर गोलियां एक जगह जहां पर रखी रहती हैं उस जगह को आर्सेनल कहते हैं। एसाइलम मतलब कि प्रोटेस्ट करने के लिए जब लोग खड़े रहते हैं तब उसे एसाइलम कहते हैं, वो झुंड लोगों के को एसाइलम कहते हैं। अवेरी, जिस अवेरी का मतलब होता है जहां पर बर्ड्स यानी पैरट्स या फिर बहुत तरह के हमिंग बर्ड्स, स्पैरोज, किसी भी तरह के बर्ड को अगर आप वहाँ पर रखें एक जगह पर, और ये करके थोड़ा ओपन प्लेस होता है, केज से बड़ा होता है, उसे एपियरी कहते हैं। बुरो, बुरो में रैबिट्स रहते हैं, एक तरह का बिल होता है। कैशे मतलब वहाँ पर आपको बंदूकों के जो सामान होते हैं वो उसको उसमें बंद करके रखते हैं। केज, केज अपेरी का छोटा वर्जन होता है, इसमें छोटी सी मेटल के डिब्बे में जिसमें आप हवा पूरी तरह से पास होता है, पूरी तरह से नेटेड रहता है, उसे कैज केज कहते हैं। वहाँ पे जनरली हम लोग पक्षियों को रखते हैं। कसिनो, कसिनो जहाँ पर आप अगर आप कोई गोवा गए हैं या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे कसिनो का प्रचलन बहुत है, वहाँ पर कसिनो में एक्चुअली क्या करते हैं, आप कार्ड्स खेलते हैं, चिप्स खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स होती हैं, पोकर वगैरह, तो वो सब, और आप प्राइसेस जीतते हैं, तो बहुत सारे स्टेट में लीगल है, जिस तरह से गोवा में लीगल है, मुंबई में शायद है, तो वहाँ पर उसे कसिनो कहते हैं। सिमेट्री, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, ये एक्चुअली सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब बहुत, ग्रेवयार्ड को कहते हैं, बहुत सारे ग्रेव्स एक साथ में जब रहते हैं उसे सिमेट्री कहते हैं। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम का मतलब होता है कि आप अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप देखेंगे क्लॉक रूम वहाँ होता है जहाँ आप सामान थोड़ी देर के लिए बंद करके रख सकते हैं, और ये एक सुविधा होती है जो रेलवे देती है, और आप थोड़े से पैसों में या अपने सामान को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है जहाँ पर मिस्री महिलाएँ मिलके, मतलब वो स्पिरिचुअल एक जगह जहाँ पर मिशनरी महिलाएं मिलके पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं और साथ में रह के धर्म का प्रचारण वगैरह करती है, इसे कॉन्वेंट कहते हैं।
क्रिंची, जहाँ पर बच्चों को किड स्कूल की तरह होता है ये, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ तक छोटे बच्चों को होते हैं जो अभी स्कूल नहीं जा सकते। और बहुत सारी अभी यहाँ बैंगलोर में भी बहुत फेमस है, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग वुमेन है जिन्हें अपने बच्चों के लिए किड स्कूल या क्रेची की ज़रूरत पड़ती है। सिमोट्रियम मतलब जहाँ पर ये को जलाया जाता है, लाशों को जलाया जाता है, उसे कहते हैं। डिकेंटर, डिकेंटर का मतलब होता है आप एक, मतलब डिकेंटर का मतलब होता है एक, जिस तरह से आप देख सकते हैं लेबल लेस शराब है, उसके बगल में वो तो एक सेट है, और ये जनरली अल्कोहल या बेवरेजेस के लिए यूज किया जाता है। डोमेट्री, डोमेट्री का मतलब होता है, एक्चुअली ये वर्ड अमेरिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं, डोमेट्री का मतलब एक्चुअली हॉस्टल ही होता है, जहाँ या पीजी हो सकता है, जहाँ पर या तो लड़कियाँ साथ में, बहुत सारी लड़कियाँ साथ में रखी रह रही हो, या लड़के बहुत सारे साथ में रह रहे हो। ड्रे, ड्रे का मतलब होता है जो चिपमंक्स होते हैं या स्क्विरल होते हैं, जो अपने लिए घर बनाते हैं, जो घोंसला बनाते हैं, उन्हें ड्रे कहते हैं। एलिसियम, एलिसियम आप होटल्स में देख सकती हैं, या फिर आप अगर किसी अच्छे ऑफिस में जाएं, हॉस्पिटैलिटी में जाएं, या अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, तो उस जगह पे जो मेन उनका वेलकमिंग एरिया होता है, जो मेन उनका लॉबी होता है, उन्हें एलिसियम कहते हैं। ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब ये ग्रेन से जुड़ा है, पहले के ज़माने में ग्रेन जहाँ पे एक जगह हार्वेस्ट करके लाते थे, और सबको एक जगह टोकरी में भर भर के रखा जाता था अनाज को, तो उस एरिया को जहाँ पे रखा जाता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। जिमनेजियम, जिमनेजियम का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये ज़्यादातर जिम में एक्रोबैटिक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, तो वो जिमनेजियम में आती है, जहाँ लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। हैंगवा मतलब ये आपका जहाँ पर जो प्राइवेट एरोप्लेन्स है या फिर छोटे जेट्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं, उसे हैंगर कहते हैं, पार्किंग एरियाज या फिर वहाँ पे कुछ उनका अगर मेंटेनेंस वगैरह चल रहा हो। हाइव, हाइव जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, बी हाइव यानी मधुमक्खियों का छत्ता, हाइव मतलब होता है छत्ता, तो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसे बी हाइव कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे बीज होती हैं जिनका अलग अलग हाइव होता है। हच मतलब जो रैबिट होते हैं या फिर गिनी पिग्स वगैरह होते हैं, तो घर पे जो रखते हैं हम लोग उनको चारों तरफ से मेटल से क्रॉस करके रखते हैं अंदर, और पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसे कहते हैं हच। इन्फेमेरी, इन्फेमेरी मतलब होता है जहाँ पर वृद्ध महिलाएं जो होती हैं वो रहती हैं वहाँ पर, और वो एक तरह का वृद्धाश्रम जैसा होता है। कैनल, कैनल मतलब जहाँ जिस छोटा घर बनाते हैं जो हम लोग कुत्तों के लिए, उसे कैनल कहते हैं। लायर या डेन, और डेन होता है लायन का, जो जंगल में एक केव बना के रहता है उसे डेन कहते हैं। मैनागेरी मतलब जू की तरह है, आप यहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे जानवरों को एक साथ देखते हैं, उसे मैनागेरी कहते हैं। मिंट, मिंट हुआ आपका इन एक ओपन ऑफिशियल स्पेस, जो किसी तरह से भी पैसों से रिलेटेड या फिनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो, उसे मिंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट, तो ये भी एक तरह का फिनेंशियल सर्विस ऑफिस एरिया प्रोवाइडर है। मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री मतलब ये धर्म से जुड़ा है, जहाँ पर आप किसी भी धर्म का प्रचलन करते हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हो सकता है, इस्लामिक मॉनेस्ट्री हो सकता है, जूश मॉनेस्ट्री हो सकता है, जहाँ पर सब बैठ के उस धर्म का प्रचलन करते हैं उसे मॉनेस्ट्री कहते हैं। मॉर्गू, मॉर्गू मतलब होता है मुर्दा घर, जहाँ पर लोगों को मरने के बाद रखा जाता है, यहाँ पर उनकी पोस्टमार्टम वगैरह भी किया जाता है, तो उसे मॉर्गू कहते हैं। मॉर्चरी, जहाँ पर ये मॉर्गू और मॉर्चरी सामने इक्विवेलेंट है, जब किसी के मरने के बाद उसके कारण को पता करने के लिए उसके ऊपर ऑटोप्सी हो या फिर उसको पोस्टमार्टम किया जाए, तो उसे मॉर्चरी कह देते हैं। ऑर्किड, ऑर्किड मतलब होता है किसी भी एक तरह के फल को, या बहुत बड़ी तरह से उसकी फार्मिंग की जाए, ये ज़्यादातर वाइन मेकिंग के लिए की जाती है। बैंगलोर में भी अगर आप बैंगलोर के आउटर एरिया में जाएं, तो बहुत जगह जो होती है वो ग्रेप वाइन के ऑर्कर्ड्स होते हैं, जहाँ पे ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग की जाती है वाइन के लिए, तो ये इसी ये के अंदर आती है। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब होता है जिनका कोई पेरेंट्स नहीं है, या उनके कोई शिनाख नहीं है, या फिर उनकी कोई
आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ऐसे बच्चों को एक जगह बड़ा किया जाता है, उसे ऑर्फनेज कहते हैं। पेनिट्री मतलब कि खाने के सामान को एक जगह रखना, उसे पेनिट्री कहते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब होता है किसी भी एक चीज़ के बारे में से रिलेटेड हर चीज़ एक जगह में रखने को पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ से विदेश ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपना पासपोर्ट, पैसे, पेन और वीज जो भी उसके जुड़े हुए अगर एक बैग में रखते हैं, तो वो आपका आउटगोइंग पोर्टफोलियो हो जाता है। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर में हम बड़ी बड़ी नदियों में रिजर्वॉयर बनाते हैं, ताकि उस पानी को, जो पानी रिजर्वॉयर में होता है, उसका बहुत सारा यूज़ किया जा सकता है। वाटर रिजर्वॉयर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है खेती के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, या फिर उसमें फिश वगैरह की फार्मिंग करने के लिए। तो इससे हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं किसी भी नदी के। रिसॉर्ट होता है जो आप शहर से दूर ग्रीनरी एरिया में बनाए, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक्चुअली हॉलिडे के लिए होता है, यहाँ पे लोग जाते हैं हॉलिडे स्पेंड करके आते हैं, इसे रिसॉर्ट कहते हैं। सेनाटोरियम, सेनाटोरियम अभी नहीं, पुराने समय में होता था। सेनाटोरियम का मतलब होता है वहाँ पे एक हॉस्पिटल की जैसा होता है, एक कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और वो एक बार में बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, सेनेटोरियम कहते हैं। सर्कुलरी पेंट्री से मिलता जुलता है, बट पेंट्री में सिर्फ खाने की चीज़ें होती है, सर्कुलरी में उससे मिलते जुलते गैजेट या उनसे मिलते जुलते पकाने के साधन, यूटेंसिल्स सब मिल के सर्कुलरी हो जाता है। सीथ या स्कैबर्ड, इसे बोल सकते हैं तलवार, और तलवार का ये उसको रखने के लिए जो उसके साथ में होता है, म्यान, तलवार और म्यान, तो इसको शीथ के स्कैबर्ड कह सकते हैं। स्टेबल, जिसमें घोड़ा रहता है, उसे स्टेबल कहते हैं। स्टाई, जहाँ पिग रहता है, उसे स्टाई कहते हैं। टेनरी, जहाँ पर आप अपने कपड़ों को जब आप ड्राई वॉश वगैरह करवाते हैं, तो एक एक ही बार में जब बहुत सारी चीज़ों का ड्राई वॉश या प्रिंटिंग या उसका रंगाई वगैरह उसकी हो, तो उसे टेनरी कहते हैं। वार्डरोब मतलब ये आपका क्लॉजेट हो सकता है, उसमें आप अपने कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, ये सब चीज़ें जो आप पहनते हैं, वो उसे रख सकते हैं, उसे वो आपका वार्डरोब कहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म हो गया है, तो होपफुली आपको हेल्पफुल हो और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो।